कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी। फ्रेंड्स, ये जो आज का डिजीज हमारा होने वाला है वो है ब्रेस्ट कैंसर। इस डिजीज को हमने क्यों चुना, क्योंकि इसके हर एक स्टेप पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने आज वाला ये टॉपिक क्यों चुना है ब्रेस्ट कैंसर। हमने जो चुना है आज का टॉपिक जिसपे हम डिस्कस करने वाले ब्रेस्ट कैंसर को, हम देखते हैं कि इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेक्शन में हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सब ये कूपर्स लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं, सब ब्रेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो ब्रेस्ट की सबसे पहले एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेकेंड, हम देखते हैं इस डिजीज के जो फैक्ट्स हैं उनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज। तो ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस कौन सा है, किस रीजन में सबसे ज्यादा होता है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे वो मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कौन सा है, ठीक है। इन्वेजिव क्या होते हैं, नॉन इन्वेजिव कैंसर कौन से होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स, ठीक है। तो एग्जाम में टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। देखते हैं रिस्क फैक्टर्स में, रिस्क फैक्टर्स के अंदर भी हर बार एग्जाम के अंदर ये देखा जाता है कि कुछ रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर के, कुछ रिस्क फैक्टर्स यूटेराइन कैंसर के, कुछ रिस्क फैक्टर्स सर्वाइकल कैंसर के, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक तरह से समान होते हैं सारे के सारे, पर उनमें क्या डिफरेंस होता है जो इस ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेनली देखने को मिलते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में आपको दे दिए जाते हैं रिस्क फैक्टर जो जो सभी में कॉमन होते हैं, पर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर होता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कि वही एक अनकॉमन होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर और एक ब्रेस्ट की सिस्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कि जो ब्रेस्ट का ट्यूमर है, जो मास है ब्रेस्ट का, जिसके कैंसर की हमने संज्ञा दी है, तो ब्रेस्ट कैंसर का मास कैसा होता है, फिक्स होता है, अनफिक्स्ड होता है, पेनलेस होता है, पेनफुल होता है, ठीक है, मोबाइल होता है, इमोबाइल होता है, कैसी उसकी मतलब अपीयरेंस होती है, कैसी उसकी सिमेट्री होती है, कैसा उसका टेक्सचर हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हम इस एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस के रूप में हमारे को देखने को मिलती है। तो साइन एंड सिम्टम्स भी अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस कैरी किए हुए होता है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड। एग्जाम में ये डायग्नोसिस का जो चैप्टर है वो भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके अंदर डायग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं ट्यूमर मार्कर्स ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे होते हैं, जिनके हमने ट्यूमर मार्कर के एक अलग सेक्शन में स्टडी भी करी है। यहाँ पे भी देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को हम जब स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं तो सारे ब्रेस्ट कैंसर के सारे ट्यूमर मार्कर्स को हम एक जगह क्यूमुलेटिवली एक जगह पे स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा और डायग्नोसिस में से पूछा जाता है बायरेट्स स्कोरिंग क्या होती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा डायग्नोसिस के अंदर मेमोग्राफी का क्या रोल है, ये कब करवानी चाहिए, ये भी हम देखते हैं। एज से उसके डायग्नोसिस के क्या संबंध है, कि मोर देन 40 इयर्स की एज है तो हम क्या प्रीफर करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए, और एज अगर लेस देन 40 इयर्स है तो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए क्या मेजर्स यूज करते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी हो गया डायग्नोसिस। आते हैं बात नेक्स्ट मैनेजमेंट की, कि इसके मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं, अगर बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर कौन सा है। टेमोक्सिफेन आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेमोक्सिफेन किस क्लास की ड्रग्स है, या किस क्लास से बिलोंग करती है, ड्रग्स की किस क्लास से बिलोंग करती है, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मेनापोजल होती है तो उसे कौन सी ड्रग देनी चाहिए, पोस्ट मेनापोजल है, सॉरी प्री मेनापोजल है तो क्या देनी चाहिए, पोस्ट मेनापोजल है तो कौन सी ड्रग्स उसको मैनेजमेंट के तौर पे दी जानी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर्जिकल आस्पेक्ट इसके, सर्जिकल अप्रोचेज ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए तो कौन कौन सी यूज करी जाती है, वो भी देखते हैं हम इसके अंदर। लंपेक्टमी क्या होती है, मैस्टेक्टमी क्या होती है, MRM जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग जो इसके लिए सर्जरी यूज करी जा रही है, जिसको MRM कहते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, वो क्या होती है, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा
हम देखते हैं कि ये जो सर्जरी होती है उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूछे जाने के लिए, जैसे कि लिम्फेडिमा हो गया, थोरेसिक लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी वो हो गया, इसके क्या आपको बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, साइड इफेक्ट जो होते हैं MRM के बाद, ठीक है। लिम्फेडिमा के क्या साइड इफेक्ट्स बॉडी के अंदर, लिम्फेडिमा के क्या साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हेमरेज हो गया पोस्ट सर्जरी, तो क्या मेजर्स यूज करने हैं, नर्सिंग एस्पेक्ट से देखें कि नर्सिंग मेजरमेंट के अंदर नर्सिंग अप्रोचेस क्या क्या होने चाहिए, कि होम केयर मेजर्स क्या होने चाहिए इस लेडी जिसका हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी कर दिया। मेस्टेक्टमी करने के बाद हम देखते हैं कि क्या पोजीशंस दी जानी चाहिए उसको, तो ये सब चीज़ें हमारी एक इस डिजीज के अंदर कवर करनी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है हम इसको पूरा एक्सटेंसिवली देखेंगे ताकि हर एक स्टेप पे आने वाले क्वेश्चंस को हम कवर करते जाएं। तो हम शुरू करेंगे हमारे ब्रेस्ट कैंसर को एनाटॉमी फिजियोलॉजी एस्पेक्ट के साथ, धीरे 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 जितना हमारे एग्जाम के अंदर सिलेबल रूप में कवर किया जाता है वो सारा का सारा हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, ब्रेस्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ईच फीमेल हैज टू ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट के अंदर क्या देखते हैं हम के इसके अंदर ये जो ब्रेस्ट होते हैं ये हमारे पेक्टोरलिस पार्ट के अंदर होते हैं। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर की तरफ होते हैं। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर क्या होता है, एक फेशिया होती है जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है। ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल है जिसको हमने क्या किया, ब्लैक कलर से यहाँ पे किया हुआ है, जो कि हमारी रिब्स के ऊपर होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये है हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इसके ऊपर हम ये ब्लू कलर से कहते हैं जिसे हम कहते हैं फेशिया। फेशिया बेसिकली क्या करती है, जो हमारी मसल्स होती है उनको बाइंड अप करके रखती है ताकि मूवमेंट के टाइम जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो ये मसल्स मूव ना करें इधर की उधर, उनको बाइंड करके रखती है, इनको मोबाइल नहीं होने देती है ज्यादा, ठीक है। तो ये होती है फेशिया। फेशिया के ऊपर हम देखते हैं कि फेशिया के ऊपर की तरफ ये फेशिया से कुछ एक लिगामेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जिनको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से किया है। तो ये फेशिया और ये ब्रेस्ट की स्किन के बीच में ये देखिए ये ब्लू कलर से मैंने लिगामेंट्स को शो किया गया है, इनको ब्रेस्ट के सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट ये क्या करते हैं, लिगामेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ होते हैं, फेशिया और ब्रेस्ट की स्किन के बीच में होते हैं। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ही कूपर्स लिगामेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कूपर्स लिगामेंट। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्रेस्ट की एनाटॉमी में से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी अगर बाय द वे तो कूपर्स लिगामेंट से हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये ब्रेस्ट की स्किन और फेशिया के बीच में पाए जाने वाले सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कूपर्स के लिगामेंट कहते हैं, और यही ब्रेस्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि हर ब्रेस्ट के अंदर 15 टू 20 लोब्स, जिनको मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो किया है, 15 टू 20 लोब्स होती हैं। क्या होती हैं, 15 टू 20 लोब्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे शो करी है ये लोब्स के रूप में ब्रेस्ट के अंदर 15 टू 20 लोब्स बनी हुई होती है जिन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्लैंड्स हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है जिनको हम स्यूडोरीफेरस ग्लैंड कहते हैं उन्हीं का एक मॉडिफाइड टाइप होती है, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी ग्लैंड्स किस ग्लैंड्स का मॉडिफाइड रूप है, तो हम देखते हैं कि इनका जो ये जो है ग्लैंड्स ये स्यूडोरीफेरस मतलब स्वेट ग्लैंड्स का
जो पसीना बनाने वाली होती है बेसिकली, तो उन्हीं का मॉडिफाइड रूप होती है। तो ये कौन सी ग्लैंड्स हैं? मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके अलावा जो ये ब्रेस्ट के अंदर जितना भी आपको ये वेकेंट पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा पार्ट होता है फैट और एडिपोज टिश्यू से बना हुआ। तो इसमें सारे में इसके अलावा क्या होती है? फैट और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये है फैट, फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो हमने देखा कि 15 टू 20 लोब्स होती हैं। ये 15 टू 20 लोब्स मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स का टाइप होती है। साथ ही साथ ये 15 टू 20 लोब्स फिर फर्दर लोब्यूल्स में बढ़ जाती है और फिर लोब्यूल्स एल्वियोलाइज में बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर ये एल्वियोलाई की यूनिट स्ट्रक्चर होती है जहां पे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मिल्क को प्रोडक्शन करने वाली सेल्स कौन सी ग्लैंड से बनी हुई थी? मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड से। तो हमने देखा ये यहाँ पे इसका ब्रेस्ट का इंटरनल मेमोरी ग्लैंड्स का पार्ट। अभी यही मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया है, ये मेमोरी डक्ट्स के थ्रू, इनको मैं कहता हूं यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर की है ये है मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स के थ्रू क्या करती है? आगे की तरफ अपना जो सिक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं मिल्क, उसको आगे की तरफ लेके आती है मेमोरी डक्ट्स के थ्रू। फिर यही मेमोरी डक्ट्स आगे की तरफ क्या होती है, जहां पे इनको ब्रेस्ट के बाहर की तरफ, जहां से इनको बाहर निकलना होता है, उससे पहले ये खुद को स्लाइटली एक्सपेंड कर लेती है। मतलब अगर मान लीजिए ये मेमोरी डक्ट्स लोब्यूल से, सॉरी लोब से इतनी निकली है, इसकी डायमीटर इतनी है, तो ये जहां पे इसको ब्रेस्ट से बाहर निकलना है उससे पहले ये खुद को क्या कर लेती है, थोड़ा एक्सपैंड कर लेती है, मतलब खुद को चौड़ा कर लेती है और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये एक्सपेंडेड एरिया है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड हो चुकी है सारी। इस एक्सपेंडेड एरिया को हम कहते हैं, एक्सपेंडेड डक्ट्स को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनसिस, लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या करती है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ये यहाँ पे निप्पल से बाहर आ जाती है और अपना सीक्रेशन जिसको हम मिल्क कहते हैं उसको बाहर की तरफ एग्जिट इजेक्ट कर देती है। तो ये हो जाता है हमारे, हम देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी डक्ट से लैक्टिफेरस साइनसेस और फिर लैक्टिफेरस साइनसेस से लैक्टिफेरस डक्ट बनती है। तो ये इस तरह से हमारा हो जाता है इसका ब्रेस्ट का एनाटॉमी का इंटरनल पार्ट। आउटसाइड से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो स्किन का, ये जो स्किन है जिसको मैंने ब्लैक कलर से यहाँ मार्क किया है, इस स्किन के अंदर ये जो बल्ज्ड पार्ट जो होता है, जो प्रोजेक्टेड आउटसाइड होता है, जो प्रोजेक्टेड पार्ट है जो कि आउटसाइड प्रोजेक्टेड होता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे निप्पल, निप्पल कहते हैं जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है। इसी प्रोजेक्टेड पार्ट के चारों तरफ का एक सर्कुलर एरिया होता है, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है। कैसा होता है? सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे हम कह देते हैं एरियोला, एरियोला। इस एरियोला का जो स्पेस होता है, एरिया जो एरियोला है, ये सर्कुलर पिगमेंटेड पार्ट है, ये रफ होता है थोड़ा सा, रेदर पूरी स्किन की अपेक्षा ये रफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती है? सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती है, ऑयल सिक्रेट करती है। ठीक है, ऑयल सिक्रेटरी ग्लैंड्स जिनको हम सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं वो यहाँ पे होती है, जिसके कारण ये एरिया थोड़ा रफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस एनाटॉमी सेक्शन से क्या क्या बनते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे से जो क्वेश्चन बनते हैं, नंबर वन द कूपर्स लिगामेंट। ठीक है, सेकंड मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस स्वीट ग्लैंड्स का क्या होते हैं, फॉर्म होती है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती है? स्यूडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड्स। थर्ड होता है कि एरियोला के बाहर की तरफ जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है? सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है,
ये भी आपको स्टडी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स पढ़ते हैं तो इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव जो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है वो इस डक्ट के आधार पे ही क्या किए गए, क्लासिफाई किए गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इसका ब्रेस्ट का एनाटॉमी सेक्शन था। एग्जाम में इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में ब्रेस्ट से रिलेटेड एक बार ये भी पूछा जाता है कि प्रोडक्शन, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो हम देखते हैं प्रोलेक्टिन है। कौन सा है? प्रोलेक्टिन। इसी के अलावा मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो हम देखते हैं वो है ऑक्सीटोसिन। आप इसको याद रख सकते हैं, प्रो मतलब प्रोडक्शन, प्रो मतलब प्रोलेक्टिन। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए प्रोलेक्टिन और इजेक्शन, जिसको इजेक्शन का मतलब एक्सिट होता है, एक्सिट मतलब इसमें एक्स आता है, तो एक्स मतलब एग्जिट करने वाला, तो ऑक्सीटोसिन एक्सिट करता है, मिल्क को इजेक्ट करता है। ये हमारे इस सेक्शन में से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड फैक्ट्स। तो अब हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड फैक्ट्स। तो मेनली आपको दो फैक्ट्स यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको याद होने चाहिए। तो नंबर वन जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड फैक्ट है, फैक्ट नंबर वन कि अदर कैंसर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उनका प्रिफर्ड मेटास्टेटिक साइट होता है लंग्स। कि अगर मान लीजिए बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर मान लीजिए कैंसर हुआ है, तो अगर मान लीजिए वहां से कैंसर किसी अन्य ऑर्गन में अगर जाके फैलना है, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस अगर होना है तो वो मेनली लंग्स के अंदर जाके कैंसर क्रिएट करता है। तो मेटास्टेसिस साइट पूरी होल बॉडी के लिए क्या होती है? प्रिफर्ड साइट होती है लंग्स। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस इज, तो वहां पे सभी ऑर्गन्स की बात हो रही होती है तो हम कहते हैं लंग्स। परंतु याद रखिए जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका मेटास्टेटिक साइट होता है बोन। ठीक है, क्या होता है? बोन। तो मेटास्टेटिक साइट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज बोन। ठीक है, बोन होता है। तो बी फॉर ब्रेस्ट और बी फॉर बोन, तो आपको याद रखने में थोड़ी इजीनेस होगी कि ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट कौन सा है, जहां पे ये जाके कैंसर क्रिएट करने की क्या रखता है, प्रोबेबिलिटी रखता है हाईएस्ट, तो वो होती है बोन। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला ये फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट की बात करते हैं कि इसका एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें कि कौन से एरिया में, ब्रेस्ट के कौन से एरिया में मेनली ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रेस्ट बनाता हूं, तो इसको ब्रेस्ट को हम क्या करते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट ब्रेस्ट। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हर एक ब्रेस्ट के यहाँ पे मैं 4 क्वाड्रेंट्स कर देता हूँ, ठीक है, और ये बीच वाला सेंट्रल रीजन। इसी तरह से इस ब्रेस्ट के भी अगर मान लीजिए मैं 4 क्वाड्रेंट्स करता हूँ, तो ये हो गए 4 क्वाड्रेंट्स और बीच वाला सेंट्रल अपर रीजन है, जिसे हम अपर आउटर क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हमने बना दिए, तो ये हमारा अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ये अपर इनर या अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, ये हो गया लोअर इनर क्वाड्रेंट या लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, ये हो गया लोअर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, इसके अलावा ये हो गया सेंट्रल रीजन। तो हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर की होने की जो संभावना होती है वो होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट में। वो कितनी होती है? 50% होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो अपर इनर क्वाड्रेंट है उसके अंदर हम देखते हैं 15%। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोअर आउटर क्वाड्रेंट में हम देखते हैं 11% और लोअर इनर क्वाड्रेंट के अंदर 6%। सेंट्रल रीजन की बात करते हैं तो 18%। तो हमने देखा कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेनली अपर आउटर क्वाड्रेंट में होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडली जो है वो होता है सेंट्रल रीजन, जहां पे कितना परसेंट है? 18%। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अपर आउटर क्वाड्रेंट, और सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? सेंट्रल रीजन।
सेकेंड मोस्ट कॉमन होती है सेंट्रल रीजन। इसी तरह लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में 50%, अपर मीडियल के अंदर होता है 15%, सेंट्रल रीजन में 18% और लोअर आउटर जो होता है उसके अंदर हो गया 11% और लोअर इनर या लोअर मीडियल के अंदर 6%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना होता है कि जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है सेंट्रल रीजन। एग्जाम में ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स। तो ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स की बात होती है तो हम देखते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर दो टाइप का होता है जिन्हें हम कहते हैं नंबर वन नॉन इन्वेजिव और सेकंड इज इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर। इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये हो गए दो टाइप। अब इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव से क्या मतलब है, मींस जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट जिसको हम कहते हैं मेमरी डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट, तो इस डक्ट के अंदर अगर मान लीजिए कैंसरस ट्यूमर है, दिस इज द कैंसरस ट्यूमर, इफ इट इज लिमिटेड इनटू द डक्ट ओनली देन इट इज कॉल्ड एज नॉन इन्वेजिव कैंसर। मींस अगर मान लीजिए ये ब्रेस्ट कैंसर का एक ट्यूमर है, ठीक है, और अगर मान लीजिए सिर्फ इस डक्ट के अंदर है, डक्ट के बाहर की तरफ नहीं है, डक्ट तक ही लिमिटेड है, तो उसे नॉन इन्वेजिव कह देते हैं। इफ दिस कैंसरस ट्यूमर इफ स्प्रेड्स बियॉन्ड द डक्ट देन इट इज कॉल्ड एज इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर। मतलब इफ ये जो कैंसरस ट्यूमर है ये इस डक्ट के भी बाहर की तरफ क्या है, स्प्रेड हो चुका है, तो इसे हम कह देते हैं इनवेजिव ब्रेस्ट कैंसर। इनवेजिव और नॉन इनवेजिव दोनों के फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। नॉन इनवेजिव की बात करते हैं तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, नंबर वन इज डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, और सेकेंड लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। डीसीआईएस या एलसीआईएस और डीसीआईएस ये इसके टाइप्स होते हैं नॉन इन्वेजिव के। अब आते हैं इन्वेजिव की बात करते हैं। इन्वेजिव के बहुत सारे टाइप होते हैं, नंबर वन दैट इज आईडीसी इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। सेकंड आईएलसी इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इसी तरह Paget's disease, four pylori's tumor, इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो हमारे सिलेबस की दृष्टि से इतना एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए कि एक होता है metastatic ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल टेस्ट नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, पर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज, मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर का टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वहां एग्जाम में जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर है आईडीसी इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ब्रेस्ट कैंसर इज, ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, इनवेजिव या नॉन इनवेजिव, तो आपका आंसर होता है इनवेजिव। फिर फर्दर आपसे पूछा जाता है कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर का कौन सा टाइप
मोस्ट कॉमन है इनवेजिव में भी, तो आपका आंसर होता है इनवेजिव डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए, इनवेजिव और इनवेजिव डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, इसके अलावा आईएलसी इनवेजिव लोबुलर कार्सिनोमा, पेजेट्स डिजीज। देखिए जो इनवेजिव डक्टल कार्सिनोमा है इसके टोटल केसेस का 1%, टोटल केसेस का 1% पेजेट्स डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है पेजेट्स डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, ये जो एरियोला वाला पार्ट है निपल के अराउंड सर्कुलर जो पार्ट होता है एरियोला, उसका एरिया एक्जिमा लाइक अपीयरेंस देता है, एक्जिमा लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, रीजन क्या होता है, जो डिजीज है डक्टल कार्सिनोमा है, जो डक्ट के अंदर की तरफ जो ट्यूमर है कैंसरस चेंजेस हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, जो अपना निप्पल है उसके थ्रू ये चेंजेस क्या करते हैं बाहर की तरफ फर्दर प्रोसीड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ये निप्पल का एरिया जो एरियोला के आसपास का एरिया है यहाँ पे क्या होता है एक्जिमा लाइक अपीयरेंस हो जाता है। जैसे एक्जिमा में स्किन हो जाती है वैसा अपीयरेंस हो जाता है उस एरिया का, तो उसे हम पेजेट्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है फाइलोड्स ट्यूमर। फाइलोड्स ट्यूमर क्या होता है, फाइलोड्स ट्यूमर के अंदर जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर जो मेनली इसका जो पार्ट होता है जिसे हमने क्या कहा था फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू, तो उसे हम स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेन स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। उस स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं फाइलोड्स ट्यूमर। तो ब्रेस्ट के स्ट्रोमा का ट्यूमर है, फाइलोड्स ट्यूमर इज ए स्ट्रोमल टिश्यू ट्यूमर। कैसा ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे देखिए एक पिक्चर आ रहा होगा जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो ट्यूमर है की तरफ है और इसके अंदर क्या हो गया है कि जो स्ट्रोमा है वो बहुत सारा क्या हो गया, धीरे 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 साइज में ग्रो किए जा रहा है और एक एक, एक, एक ऐसा अपीयरेंस बना लेता है बहुत हैवीली अपीयरेंस। ठीक है, जो कि क्या है फाइलोड्स ट्यूमर का है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल टेस्ट नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत सारे टाइप हो जाते हैं जो हमारे सिलेबस की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में जो टाइप्स में से पूछा जाता है वो यही होता है कि कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, दैट इज इनवेजिव। इनवेजिव में कौन सा फर्दर पूछा जाता है, तो IDC आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स के तौर पे ही हम हमेशा कैंसर का एटियोलॉजी स्टडी करते हैं। एटियोलॉजी को रिस्क फैक्टर्स के तहत क्यों स्टडी करना होता है हमें, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ द कैंसर इज अननोन येट, कि जो पूरा एग्जैक्ट जो कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का या किसी भी कैंसर का अभी तक अननोन है, अभी तक उसको स्पेसिफाई नहीं किया जा चुका है। बहुत सारे कॉजेज को माना जाता है ऐसा कि इनसे कैंसर हो सकता है, इसलिए उन्हें हम कॉजेज ना कह के रिस्क फैक्टर्स के तहत स्टडी करते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं, तो उनमें हम सबसे पहले देखते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री। आपको एग्जाम में अगर गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव कैंसर्स के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, आपके पास ऑप्शन होते हैं नंबर वन फैमिली हिस्ट्री, सेकंड वन मल्टीपैरिटी, थर्ड वन अर्ली सेक्स, फोर्थ वन अदर्स। तो आपको याद होना चाहिए, उस जगह पे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव कैंसर्स के अंदर किसी भी कैंसर के अंदर फैमिली हिस्ट्री का रिलेशन नहीं होता है एक्सेप्ट ब्रेस्ट कैंसर। एकमात्र ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर है जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री का रोल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो याद रखिए ये बहुत ही स्पेसिफाइड फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहा जाता है कि माना सर्वाइकल कैंसर के अंदर रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है, ओवेरियन के अंदर नहीं होता है, ठीक है, यूटराइन कैंसर में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ही हम क्या देखते हैं फैमिली हिस्ट्री क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड है नलीपैरिटी।
नली पेरिटी, नली का रिस्क फैक्टर होता है वो होता है अर्ली मेनार्क, मींस प्यूबर्टी का अपने एक निश्चित समय से पहले क्या हो जाना, बॉडी के अंदर आ जाना, उसे हम कह देते हैं अर्ली मेनार्क। ठीक है, कि मतलब प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स है बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम से पहले क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं, उसे हम कह देते हैं अर्ली मेनार्क। फोर्थ होता है लेट मेनापोज। लेट मेनापोज मींस कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीजेशन मेनली क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं 45 की एज पे हो जाता है। अगर मान लीजिए ये भी मेनापोज जो होता है वो 45 के बाद, 45 पे ना होके 45 के बाद होता है, बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, तो उसे हम लेट मेनापोज कहते हैं। ऐसी तो ये तीनों परिस्थितियां क्या करती है वो देखिए, जिसके कारण की ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उसको समझने की कोशिश करिए। बेसिकली क्या होता है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है। क्या होता है, इसको हम मानते हैं कि ये एस्ट्रोजन सेंसिटिव ट्यूमर होता है, सेंसिटिव टिश्यू होता है। ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन सेंसिटिव टिश्यू होता है। मान लीजिए कि एक लेडी पूरी होल लाइफ के अंदर क्या करती है, पूरी होल लाइफ के अंदर 15 से लेके 45, वैसे प्यूबर्टी 13 में आ जाती है, 13 इयर्स की एज के अंदर फीमेल में प्यूबर्टी आ जाती है जिसे हम मेनार्क कह रहे हैं। तो 13 टू 45 के अंदर क्या करती है, पूरे इस टाइम पीरियड के दौरान क्या रहता है, एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी में ब्रेस्ट का टिश्यू रहता है। ठीक है, जैसे जैसे उसका मंथली उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही क्या होता है, एस्ट्रोजन का क्या होता है, लेवल हाई और कम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी पूरे टाइम बाउंड टाइम के दौरान बीच में ये 2 से 3 बार क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट, एक लेडी यूजुअली 2 to 3 टाइम्स क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो क्या हो जाता है, उस टाइम पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, नहीं आता है, एमेनोरिया रहता है। ठीक है, एमेनोरिया रहता है, तो एमेनोरिया रहेगा तो ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है, सॉरी ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसको एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी उस दौरान, रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट के टिश्यू को थोड़े समय के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको ब्रेस्ट का सेंसिटिविटी, एस्ट्रोजन का सेंसिटिविटी क्या होगा, एक्सपोजर कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन से एक्सपोजर कम होगा तो ये कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो क्या है, कैसा है, एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन ही कहीं ना कहीं उस ब्रेस्ट को क्या करता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव करता है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर कैंसरस चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए वो लेडी अर्ली मेनार्क हो गया, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए नली पेरिटी है, नली पेरिटी लेडी के अंदर क्या होएगा, ये पूरे टाइम बाउंड क्या रहेगी, पूरे टाइम 13 टू 45 तक क्या रहेगी, एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी में रहेगी, एस्ट्रोजन के एक्सपोजर में रहेगी, तो चांसेस कहाँ क्या हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाएंगे। सेकेंड है अर्ली मेनार्क, मतलब प्यूबर्टी इसकी 13 की जगह मानते हैं 11 में ही आ गई, तो 11 में प्यूबर्टी आई, तो 11 टू 45 मींस इसको क्या हो गया, इसका एक्सपोजर टाइम क्या हो गया, 2 इयर्स यहां से एक्सटेंड हो गया। अब 2 ईयर एक्सटेंड हो गया एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी का ब्रेस्ट के टिश्यू को, तो भी अब क्या हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना नॉर्मल की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर मान लीजिए मेनार्क जो है, सॉरी मेनापोज, वो 45 की अपेक्षा 48 या 50 तक जाता है, तो उस सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक्सपोजर टाइम क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है। तो एक्सपोजर टाइम एक्सटेंड हो गया तो एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी टाइम भी एक्सटेंड हो गया, और सेंसिटिविटी टाइम एक्सटेंड हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उस क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं, एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी या एस्ट्रोजन के एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, रिजल्टिंग उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर देखने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकते हैं, तो हाई
रेडिएशन टू चेस्ट। चेस्ट एरिया में बार बार चेस्ट एक्सरेज करवाना या उस एरिया में किसी प्रकार की रेडिएशन थेरेपी लेना, ये क्या कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को कोज कर सकता है। तो उस एरिया के अंदर रेडिएशन का एक्सपोजर भी क्या कर सकता है, चेस्ट एरिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को लीड कर सकता है। तो हम देखते हैं मेनली जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के जो फैक्टर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वो यही होती है फैमिली हिस्ट्री, नली पेरिटी, अर्ली मेनार्क, लेट मेनापोज, हाई रेडिएशन टू द चेस्ट। इसके अलावा हम देखते हैं कि ओबेसिटी, एज को भी एक एडिशनली एसेंशियल रिस्क फैक्टर मान लिया जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कई रिसर्चेज में देखने को मिला है कि उनसे भी क्या होने की संभावना है, ब्रेस्ट कैंसर, एज एंड ओबेसिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। एग्जाम में यहां से क्या पूछा जाएगा, नंबर वन फैमिली हिस्ट्री, दिस इज द स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर फॉर only and only female reproductive systems cancer, nali pariti, early menarche, late menopause, all of these three are responsible for extension of exposure to estrogen to the breast tissue। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये exposure time को increase कर रहे हैं। Fourth, fifth, high radiation टू द चेस्ट एरिया और एज और ओबेसिटी, ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स। एग्जाम में ये जो पोर्शन है इसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये यही एक जो पोर्शन है इसी के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि एक छोटे से ट्रिक से मैं आपको ये सारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या देखने को मिल सकते हैं एक ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, एक क्लाइंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मास ड्यूरिंग बीएससी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर जब वो लेडी करती है तो उसे अपने ब्रेस्ट के अंदर एक मास फील होता है, एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक लीजन फील होता है उसको। ठीक है, तो एक मास ड्यूरिंग बीएससी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान उसको मास फील होता है। सेकंड, वो मास कैसा होता है वो हम देखते हैं, वो होता है पेनलेस, पेनलेस फाइन मास होता है। कैसा होता है, पेनलेस फाइन मास होता है। कैसा होता है, पेनलेस फाइन मास होता है। पेनलेस का मतलब वो जो मास है, वो जो लीजन है, वो जो ट्यूमरस स्ट्रक्चर उसको फील हो रही है ब्रेस्ट के अंदर, वो कैसी है, पेनलेस। नंबर वन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ये कैसी होती है ट्यूमर, ये मास कैसी होती है, पेनलेस होती है। सेकंड, कैसी होती है, फाइन होती है। फाइन का मतलब है एफ आई एन ई, ये चारों वर्ड्स अलग अलग है। एफ फॉर हम देखते हैं, एफ फॉर फिक्स्ड, कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। आई फॉर इरेगुलर, कैसी होती है, इरेगुलर। फोर्थ होती है नॉन एनकैप्सुलेटेड, ये होती है नॉन एनकैप्सुलेटेड। ठीक है, कैसी होती है, नॉन एनकैप्सुलेटेड, एन ई। तो हम देखते हैं कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। सबसे पहली बात, जो ट्यूमर का जो मास होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, इधर उधर मोबाइल नहीं होता है। अगर मोबाइल है तो क्या होने की संभावना है, वो भी हम अभी देखते हैं। सेकंड होता है इरेगुलर, ये रेगुलर नहीं होता, इसकी जो बॉर्डर्स होती है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, फोर्थ होता है, थर्ड होता है नॉन एनकैप्सुलेटेड, ये किसी प्रकार के आवरण में कैप्सुलेटेड नहीं होएगा। ठीक है, इसका मतलब नॉन एनकैप्सुलेटेड है, तो वो क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है। अगर मान लीजिए वो फिक्स्ड नहीं है, क्या है, मोबाइल है। कैसा है, मोबाइल है, साथ ही साथ वो कैसा है, पेनलेस है, पेनलेस तो है बट कैसा है, मोबाइल है, तो वहां संभावना हो जाती है कि वो क्या है, वो है ब्रेस्ट का फाइब्रो एडिनोमा।
ब्रेस्ट का फाइब्रोएडिनोमा। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए फिक्स्ड इरेगुलर और नॉन एनकैप्सुलेटेड है तो वो है ब्रेस्ट कैंसर, और अगर वो मोबाइल है देन हम कहते हैं कि वो ब्रेस्ट का फाइब्रोएडिनोमा है। इसके अलावा और क्या देखते हैं, हम देखते हैं और फीचर्स, जैसे कि नेक्स्ट होता है कि स्किन के अंदर डिम्पलिंग आ जाएगी वहां पे, जिस रीजन के अंदर, जहां पे ब्रेस्ट के अंदर मान लीजिए ये ब्रेस्ट है तो जहां पे ट्यूमर हुआ है, जहां पे ट्यूमर हो गया है, मान लीजिए यहाँ ट्यूमर हुआ है तो इस एरिया की स्किन के अंदर क्या हो जाता है, डिम्पलिंग सी आ जाती है, ये स्किन डिम्पलिंग। ट्यूमर वाले रीजन के अंदर क्या हो जाएगी, स्किन के अंदर डिम्पलिंग आ जाती है, तो आप देखते हैं स्किन की डिम्पलिंग। अगर मान लीजिए ट्यूमर का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ क्या कर रहा है, वहां के टिश्यूज को नष्ट कर रहा है, तो बाहर के टिश्यू के अंदर अल्सरेशन भी देखने को मिल सकता है, तो स्किन का अल्सरेशन भी वहां पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं, आप इस एरिया के अंदर मान लीजिए यही ट्यूमर कैसा है, यहाँ पे है, इस रीजन के अंदर है, तो इस रीजन में अगर मान लीजिए ट्यूमर बढ़ता है साइज में, तो ये जो निप्पल है जो कि पहले प्रोजेक्टेड आउटसाइड था, अब ये क्या हो जाएगा, ये ट्यूमर बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस ट्यूमर के कारण जो स्वेल्ड एरिया है, जो एरिया बल्ज हो चुका है, उसकी अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, निप्पल क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ धस जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, निप्पल का रिट्रैक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, निप्पल का रिट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, निप्पल का रिट्रैक्शन देखते हैं, मतलब निप्पल प्रोटेक्टेड नहीं होता है, प्रोजेक्टेड नहीं होता है, बाहर की तरफ नहीं होता, अंदर की तरफ क्या हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है। और क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि जो ये एरिया है जहां पे ट्यूमर हुआ है, जो एरिया है जहां पे ट्यूमर हुआ है, उस जगह पे क्या हो जाएगी, स्किन टेंडर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्किन टेंडर्ड हो जाएगी। तो टेंडर्ड होने के कारण क्या होएगा कि यहाँ पे जो स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहां पे क्या होते हैं, स्किन के जो हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हेयर्स के छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिकली दिखने लग जाते हैं, क्योंकि स्किन वहां से एक्सटेंड हो जाती है, रिजल्टिंग आपको क्या देखने को मिलता है कि इस एरिया के छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे आपको क्या दिखने लग जाएंगे, हेयर्स के पोर दिखने लग जाएंगे। तो वो एक ऐसा अपीयरेंस देती है जैसे कि आपने ऑरेंज को देखा होगा, कि ऑरेंज को हम जब बाहर से आउटसाइड अपन इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेस्ट भी इस ट्यूमर के कारण क्या करता है कि उस ऑरेंज के छिलके की तरह क्या देखने देने के लग जाता है, अपीयरेंस देने लग जाता है, जो कि आपको स्किन यहाँ पे अभी देख लो, इस पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो ट्यूमर के कारण जो ब्रेस्ट है हमारा, उसका अपीयरेंस भी कैसा हो जाता है, एक ऑरेंज के छिलके की तरह, तो उसे हम प्योरली ऑरेंज स्किन कह देते हैं, प्योरली ऑरेंज स्किन कह देते हैं, ठीक है। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है प्योरली ऑरेंज स्किन। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर क्या हो जाता है, एसिमेट्री आ जाती है, सिक्स नंबर, ब्रेस्ट के अंदर एसिमेट्री हो जाती है, दोनों ब्रेस्ट के अंदर आप देखते हैं एसिमेट्री देखने को मिलती है, कि जिस ट्यूमर के अंदर क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है, वो क्या हो जाएगा, हायर देन द अदर ब्रेस्ट, जिस ट्यूमर की जिस साइड के अंदर क्या हुआ है, ट्यूमर हुआ है, ठीक है, या कैंसर हो गया है, तो ट्यूमरस जो ब्रेस्ट है, ट्यूमरस ब्रेस्ट इज हायर देन नॉर्मल ब्रेस्ट, तो ये आप देखते हैं उसके अंदर। तो आपने देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स इस क्लाइंट के अंदर देखने को आपको मिल सकते हैं, जो कि उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर हो चुका है। तो हमने देखा सबसे पहले तो उसको मास फील होगा, वो मास मेनली कहाँ फील होता है, आपको पता ही है, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर, मेनली अपर आउटर क्वाड्रेंट्स में होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर सबसे पहले तो मास फील होगा, मास कैसा होगा, पेनलेस होएगा, पेनलेस होएगा, कहाँ होएगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट में होएगा। सेकंड, कैस
कैसा होएगा? फाइन होएगा। फाइन मतलब फिक्स्ड होएगा, इरेगुलर होएगा, नॉन एनकैप्सुलेटेड होएगा। इसके अलावा स्किन के अंदर डिम्पलिंग आएगी, स्किन के अंदर अल्सरेशन आएगा, निपल के अंदर रिट्रैक्शन आ जाएगा, प्योरली ऑरेंज स्किन हो जाएगी, एसिमेट्री हो जाएगी, और जिस ट्यूमर के अंदर, जिस ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हुआ है वो कैसा हो जाएगा, ट्यूब नॉर्मल ब्रेस्ट की अपेक्षा हायर हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर क्लियर या ब्लडी निपल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है, क्लियर या ब्लडी निपल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आप क्या देखते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की एडिनोपैथी देख सकते हैं। एक्सिलरी जो अपने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। और आप क्या देखते हैं कि बोन मेटास्टेसिस के फीचर्स भी इस क्लाइंट की एडवांस कैंसरस स्टेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे फीचर्स जो हम हैं इस क्लाइंट के अंदर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में इसका आगे का चैप्टर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।